और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक मिनट एक खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 131 लोगों की मौत ने संक्रमण की टेंशन बढ़ा दी है। पूरी अपडेट देखिए सिर्फ 60 सेकंड्स में। कोरोना वायरस का संक्रमण देश की राजधानी दिल्ली में डराने लगा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 7486 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में जान गंवाने वालों की संख्या 131 है। पिछले 10 दिन में कोरोना की डेथ रेट 1.48% हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की टेंशन के बीच आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें हालात पर चर्चा की जाएगी। दूसरी ओर दिल्ली में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने 10 टीमें बनाई है, जो 100 प्राइवेट अस्पतालों में किए गए इंतजाम की जानकारी जुटाएगी और उसे गृह मंत्रालय को देगी। जी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन पूर्ण समाधान नहीं है। गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया, टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। दिल्ली से नोएडा जाने वालों की रैंडम टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं दिल्ली में एक बार फिर शादियों में सिर्फ 50 लोगों की सीमा तय कर दी गई है। हरियाणा के स्कूलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब हरियाणा सरकार ने क्या बड़ा फैसला किया, ये भी आप 60 सेकंड में जानिए। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में हालात मुश्किल है और दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में भी इसका कहर दिखाई देने लगा है। हरियाणा में रेवाड़ी के 13 स्कूलों के 103 बच्चे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि अभी कई और बच्चों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वहीं हरियाणा के जींद में भी 11 स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, साथ ही 8 स्कूल टीचर भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्कूलों में कोरोना के कहर के बाद हरियाणा सरकार की नींद टूटी है। ज्यादा प्रभावित स्कूलों को अब 16 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि कम प्रभावित स्कूल 3 दिन के लिए बंद होंगे। 12 स्कूलों में सर्वे किया है तो उसमें 72 बच्चे जो है पॉजिटिव आए हैं 837 में से, और अब हम यही करेंगे, स्कूलों को भी टारगेट कर रहे हैं, भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ पे भी सब जगह कैंप करके और इनकी जांच कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं करेगी, लेकिन सरकार ने अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने का भरोसा दिया है, ताकि छात्रों के बीच संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 89 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 38,617 नए केस आए और 474 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 44,739 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 89,12,908 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 43,35,110 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में 4,46,805 कोरोना संक्रमितों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,30,993 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर यानी रिकवरी रेट 93.51% पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन अगर लापरवाही बढ़ती गई तो देश के कई शहरों की तरह पूरे देश में हालात एक बार फिर मुश्किल हो सकते हैं। इसलिए संकट काल में जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं बरतने में ही समझदारी है। वहीं देश के 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी है, लेकिन फिर भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बागपत में एक नर्स ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया। 7 महीने तक एक डॉक्टर ने धर्म छिपाकर स्टाफ नर्स के साथ रिश्ता बनाया और जब पीड़ित नर्स गर्भवती हो गई तो अबॉर्शन का दबाव बनाया। ये संगीन वारदात उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई है। पीड़ित नर्स का आरोप है कि डॉक्टर ने उसे धर्म छिपाकर शादी का झांसा दिया और अपनी बात ना मानने पर आरोपी डॉक्टर ने पीड़िता को तरह तरह की यातनाएं भी दी। पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बाहर निकली तो पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पूरा मामला है सर कि मेरे साथ ना एक मुस्लिम लड़के ने धोखा किया, हिंदू बताकर मेरे साथ संबंध बनाए जबरदस्ती, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ 6 मंथ की। अब कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार करके उसके किए की सजा दी जाए। पीड़ित नर्स का आरोप है कि निजी अस्पताल के इस डॉक्टर ने उसका अश्लील वीडियो भी बनाया है और उसे वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़ित नर्स 6 महीने की गर्भवती है। शिकायत के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी का अगला मिशन है पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी के गढ़ में चुनौती देने के लिए बीजेपी ने किस तरह की तैयारी की है, जानते हैं 60 सेकंड में। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं।
पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बीजेपी त्रिदेव मॉडल पर काम करेगी, यानी पहले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मोर्चा संभालेंगे और फिर आखिरी में एंट्री होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने 3 दिन और गृह मंत्री अमित शाह हर महीने 2 दिन पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई 2021 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिसंबर के पहले हफ्ते में 100 दिन की भारत प्रवास यात्रा भी शुरू करेंगे। 2021 में असम समेत 3 और राज्यों में भी चुनाव है। 100 दिन की भारत प्रवास यात्रा में जेपी नड्डा कई राज्यों में जाएंगे, वहां संगठन के बूथ स्तर की बैठक लेंगे और प्रबुद्ध नागरिकों से चर्चा करेंगे। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 24-25 नवंबर को बांकुरा का दौरा करेंगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुरा का दौरा किया था। सियासी घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से राजनीतिक हत्याओं के लिए ममता सरकार पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर कहा है कि राज्य में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं, लेकिन ममता सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। 5 सितंबर को मैंने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, आगाह किया कि राज्य में हालात बहुत खराब है, तो उन्होंने 2 लाइन का जवाब दिया, अमन चैन है। राज्यपाल का ये बयान पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बीच आया है। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता कलाचंद कर्माकर की हत्या का आरोप भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। किसी चुनाव के अंदर और किसी विचारधारा को रोकने के लिए व्यक्तियों की, कार्यकर्ताओं की हत्या, ये भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। राजनीतिक हत्याओं पर बीजेपी के आरोपों पर ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया है। वहीं बिहार में सरकार गठन के साथ ही विपक्ष के हमले तेज हैं। आरजेडी ने शिक्षा मंत्री मेवालाल का एक पुराना वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि नीतीश के मंत्री को राष्ट्रगान भी नहीं आता। सवाल राष्ट्रगान का है, इसलिए ऑडियो सुना नहीं सकते, लेकिन आरजेडी ने इसी के बहाने बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर आरोप लगाए हैं। आरजेडी ने यह वीडियो जारी किया है जिसमें मेवालाल चौधरी राष्ट्रगान का गलत उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने अपने ट्वीट में लिखा है, भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी मेवालाल चौधरी के बहाने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लालू यादव ने एक ट्वीट में लिखा, तेजस्वी जहां पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने को प्रतिबद्ध था, वहीं नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बनाकर अपनी प्राथमिकता बता दिया है। नई सरकार के गठन के साथ ही नीतीश सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा मंत्री मेवालाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। पहले मंदिर पॉलिटिक्स, फिर पालघर साधु हत्या पर घिरी शिवसेना ने अब अपने हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई में नया आयाम लिख दिया है। शिवसेना के नेताओं ने ऐलान किया है कि वो मुंबई में कराची के नाम से किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं होने देंगे। मुंबई में शिवसैनिकों ने पाकिस्तान के शहरों के नाम से चलने वाली दुकानों को निशाना बनाया। कुछ शिवसैनिक कराची नाम के रेस्टोरेंट पर पहुंचे और उसे कराची नाम बदलने की धमकी दी। कराची मतलब आप पाकिस्तान की हो, बराबर कहा हम लोग लोग वहाँ पे थे जब ये हमारे देश में हांडी हो गई, अलग हो गए, तब आप यहाँ पे आ गए, आपका स्वागत है, आप करना चाहिए, लेकिन कराची नाम से हमें बहुत तकलीफ है। अभी हमारा जवान हालांकि इस मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर शहर में 50 वर्षों से कराची नाम से जो सामान बेचे जा रहे थे उस पर शिवसेना को अब जाकर ऐतराज क्यों हो गया है। और अब मैं 60 सेकंड में देखिए लद्दाख में हिंदुस्तान की तैयारी का ट्रेलर। चीन से सीमा विवाद के बीच पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से भारतीय सैनिक LAC पर तैनात हैं, और आने वाले दिनों में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है लद्दाख की भीषण ठंड।
ऐसे में देश की रक्षा में तैनात सैनिकों की सुरक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है। सैनिकों के लिए खास तरह के कपड़े, टेंट और शेल्टर बनाए गए हैं, जिनमें शून्य से 40 डिग्री नीचे के तापमान में आराम से रहा जा सकता है। भारतीय सेना ने इसकी तैयारी जुलाई से ही शुरू कर दी थी। गलवान, पेंगोंग और दक्षिणी पेंगोंग के इलाकों में तापमान -20 से -25 डिग्री तक गिर गया है और नवंबर के बाद तेज बर्फबारी शुरू हो जाएगी, जिससे यहां 40 फीट तक बर्फ पड़ने की आशंका रहती है। इसलिए राशन, केरोसिन हीटर, खास कपड़े, टेंट्स और दवाइयों को पूरी सर्दी के लिए जमा कर लिया गया है। वहीं हाई एल्टीट्यूड और सुपर हाई एल्टीट्यूड में तैनात सैनिकों के लिए गर्म रहने वाले टेंट और साथ साथ लद्दाख में तैनात सभी सैनिकों के लिए स्मार्ट कैंप तैयार कर लिए गए हैं, जिनमें बिजली, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया गया है। और अब आपको एक ऐसी महिला पुलिसकर्मी से मिलवाते हैं जो अपने माँ होने और थाने की दरोगा होने का फर्ज एक साथ निभा रही है। गोद में बेटी और हाथों में कमल, एक ओर माँ की जिम्मेदारी और दूसरी ओर थाने का प्रभार, ये अर्चना शुक्ला हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ऑफिस में ड्यूटी पर तैनात दरोगा। घर में बेटी की देखभाल के लिए कोई नहीं, लेकिन अर्चना शुक्ला के लिए ये बाधा ना ड्यूटी से बढ़कर है और ना ही ड्यूटी ही इनके लिए कोई बाधा है। दोनों फर्ज बखूबी पूरा होता है। फिलहाल अर्चना शुक्ला की तैनाती कोतवाली इलाके के सिविल लाइन चौकी में है, लेकिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अर्चना शुक्ला एसपी ऑफिस में फरियादियों की फरियाद सुनती हैं। मुझे लगता है कि उपरोक्त महिला पुलिसक द्वारा यही किया जा रहा है। इसके बावजूद भी चूंकि अपने बच्चे को संभालती हुई महिला ड्यूटी कर रही है, वास्तव में काबिले तारीफ है वो। एक साथ दो दो फर्ज निभाने वाली अर्चना उन लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं और निजी परेशानियों की वजह से अक्सर ड्यूटी से कतराते हैं। अर्चना शुक्ला का ये जज्बा साबित करता है कि जहां चाह है वहां राह भी है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।